तो आज का पॉइंट आता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, और ये भी हमारी एक सेकंड तरह की रिलेटेड गुड्स हैं। तो बच्चों सबसे पहले रिलेटेड का मतलब मैं दोबारा बता दूं, दोज गुड्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ द अदर। इट इज गोइंग टू बी हैपन द टू गुड्स आर नॉन टू बी एज व्हाट रिलेटिव। यानी प्राइस किसी का चेंज हो रहा हो और डिमांड किसी दूसरे की चेंज हो रही हो, अगर हम ऐसा कुछ रिलेशनशिप दो में देख सकते हैं, दो में देख पाते हैं, तो बच्चे हम उसको बोलते हैं कि ये रिलेटिव गुड्स है। अब हम रिलेटिव गुड्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा दो तरह की होती है वो, एक सब्स्टिट्यूट और दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट क्या पढ़ी थी बेटा हमने, जो एक दूसरे की जगह पर यूज हो सकती है ना, जैसे टी कॉफी है ना, जैसे जैसे आपका पेप्सी एंड कोका कोला, दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड देर आर सम अदर स्टाइल ऑफ गुड्स दैट आर नोन टू बी एज कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ व्हाट आर दीज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? द गुड्स विच आर ज्वाइंटली यूज्ड, मीन्स विच कंप्लीट्स द डिमांड फॉर ईच अदर, मीन्स विदाउट वन इफ द अदर थिंग इज अ वेस्ट थिंग देन दैट गुड्स आर नॉन टू बी एज कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। कैसे बच्चों आप समझे बात को, कोई भी टू व्हीलर फोर व्हीलर कोई भी व्हीकल एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मान लीजिए मेरे पास व्हीकल है, गाड़ी है, एक्टिवा है, सब है, पर मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं पेट्रोल खरीद सकूं, या मेरे पास ये समझ लो पेट्रोल नहीं, बेटा वो व्हीकल मेरे किसी काम का नहीं है, है ना? क्योंकि दोनों के दोनों जब मिलेंगे काम तो तभी होगा। तो ये कौन सी गुड्स है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री, समझ रहे हो? अभी मैं आपको बोलूं कि मेरे पास जो है इन क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए बहुत अच्छा सा लैपटॉप है, पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो क्या करेंगे उस लैपटॉप का? कौन सी क्लासेस हमारी ऐसे चल जाने वाली हैं? बिना इंटरनेट के क्लासेस तो चलनी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? बात समझ रहे हो? तो इंटरनेट कनेक्शन एंड द कंप्यूटर, है ना, अगर हमारा काम ऑनलाइन का ही है तो, अदरवाइज तो कंप्यूटर आप इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हो, बट अगर ऑनलाइन का काम है तो लैपटॉप के साथ इंटरनेट नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। तो सर ये भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। कैमरा एंड उसका रोल, ठीक है, चलो अब तो नहीं आता ये रोल वाला कैमरा, बट स्टिल ये भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। और ये हो गया कार पेट्रोल, हो गया पेन, पेन के साथ इंक हो गई। बेटा ऑल दैट गुड्स आर नॉन टू बी एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जरा एक बार टेबल को जरा समझने की कोशिश करें। टेबल कहती है कि जब गाड़ी 5 लाख की आती है, ये मैंने जो एक्स कॉमेट लिया बेटा ये लिया मैंने कार, और ये जो वाई कॉमेट लिया बेटा मैंने ये लिया पेट्रोल। जब कार गाड़ी 5 लाख की आती है, पेट्रोल 70 रुपए लीटर था जब, तब गाड़ियां 10 बिकती थी, मान लो डेली इन पानीपत। आज पेट्रोल मान लो, गाड़ी मान लो, गाड़ी तो 5 ही लाख की आती है, ठीक है, गाड़ी का रेट नहीं बदला, यानी प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी गिवन, एक्स कॉमोडिटी हमारी गिवन गुड है। गिवन गुड बेटा वो वाली गुड होती है जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो कि उसकी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो गिवन गुड है। तो उसका प्राइस चेंज नहीं किया, 5 लाख की थी, आप 10 डिमांड कर रहे थे तब, गाड़ी आज भी 5 ही लाख की आती है, लेकिन आपने गाड़ियां 10 से कम करके 5 खरीदनी शुरू कर दी। सर ऐसे कैसे हो जाएगा बेटा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर पेट्रोल महंगा हो जाए, आप मुझे बताओ 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए तो क्या पानीपत में इतनी गाड़ियां बिकती रहेंगी जितनी गाड़ियां अभी बिक रही हैं? मतलब ही नहीं हो सकता सर। पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो बेटा गाड़ी चलाना महंगा हो जाएगा, और जब गाड़ी चलाना ही महंगा हो जाएगा तो गाड़ी खरीदने वाले लोग सोच समझ के गाड़ी खरीदेंगे, जिनको चलाने में कोई दिक्कत नहीं, आई मीन जो अफोर्ड कर सकते हैं, इतना महंगा पेट्रोल भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो ले लेंगे। नहीं तो गाड़ी की कीमत वही है पर फिर भी लोग गाड़ियां कम खरीदेंगे, बिकॉज इट बिकम्स नाउ कॉस्टलियर टू रन द कार। समझ रहे बेटा मेरी बात? समझ में आ रही है? जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का रेट महंगा हो जाता है, एसी का प्राइस सेम रहने पर भी
एसी की डिमांड कम हो जाती है क्योंकि एसी चलाना महंगा हो जाता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यहां पर एसी और इलेक्ट्रिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री है, गाड़ी पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री है, समझ रहे हो? तो ये बात बहुत मैटर करती है क्योंकि जो चीजें कंबाइंडली यूज होती हैं वहां पर दोनों के प्राइसेस मैटर करते हैं। ठीक है, जिस चीज की आप डिमांड एनालाइज कर रहे हो उसका अपना प्राइस तो खैर मैटर करता ही है, बट वो वाली चीज तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं ना, प्राइस ऑफ द गिवन गुड। ठीक है ना, कि जिस चीज की डिमांड को पढ़ना है उसी चीज का प्राइस क्या इफेक्ट करता है, वो तो लॉ ऑफ डिमांड ही होता है, पर उससे रिलेटेड चीज का प्राइस है ना, और वो सब्स्टिट्यूट है या वो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो प्राइस भी हमारी गिवन कॉमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट करता है। आओ जरा ये देखो, अगर हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ जाता है यानी पेट्रोल महंगा हो जाता है तो गाड़ियों की डिमांड बेटा कम हो जाएगी। यहां पर देखो एक्स और वाई ले रखा मैंने, वाई इज द पेट्रोल मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड ऑफ एक्स एंड एक्स इज हियर कार मींस द गिवन गुड, और अगर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाएगी। धन है बच्चे, हालांकि इतने में मेरा काम चलता है, इलेवेंथ में काम नहीं चलता, डायग्राम बनाना पड़ता है, पर आपको जरूरत तो नहीं है, पर मैं एक आधा डायग्राम और बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा माइंड में ये भी हो जाए कि डायग्राम कैसे बनाने हैं, इसके होते कैसे हैं। क्वेश्चन तो डायग्राम की प्रेजेंटेशन पे तो नहीं आएगा, बट ये है कि उसकी मूवमेंट पे आ सकता है, तो एक डायग्राम और बनाता हूं मैं आपके लिए फ्री हैंड, वो भी ओ एक्स वाई। ठीक है बच्चों, अब ये पूरा डायग्राम आपका किसका बना रहा हूं मैं, एक्स कॉमोडिटी का, गाड़ी का। तो यहां पर प्राइस भी किसका रखना है हमने, क्योंकि हमारे एक्सिस तो दो ही हैं और चीजें टेबल में कितनी दिखा रखी है मैंने, तीन, पर जो ये तीसरी चीज है ना पेट्रोल का प्राइस, ये तो अदर फैक्टर है, इसको बोलते हैं बच्चों अदर फैक्टर। और अदर फैक्टर के चेंज होने से आपका पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, जबकि अगर अदर फैक्टर इफेक्ट नहीं करता तो कॉमोडिटी का खुद का प्राइस इफेक्ट करता है, जब प्राइस इफेक्ट करता है तो डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता, डिमांड कर्व में मूवमेंट आती है ऊपर या नीचे, मूवमेंट आती है। ठीक है, और अगर अदर फैक्टर इफेक्ट करते हैं तो पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। आओ मैं समझाता हूं कैसे। ये देखो, ये गाड़ी का रेट है 5 लाख रुपए, ये क्वांटिटी डिमांडेड है गाड़ी की 5, 10, 15, जब 5 लाख का रेट था तो गाड़ियां बिकती थी 10, जब पेट्रोल का प्राइस 70 रुपए लीटर था एंड वो वर एट पॉइंट ए ऑन द डिमांड कर्व D1। गाड़ी का रेट आज भी 5 ही लाख रुपए है, गाड़ी आज भी 5 लाख की ही आती है, पर पेट्रोल जो है ना बच्चों वो कितने रुपए लीटर हो गया, मान लो 100 रुपए लीटर। ठीक है बेटा, तो गाड़ियों की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो इसी 5 लाख के रेट पर हम कितनी गाड़ियां खरीदने लगेंगे बच्चों, अब तो सर सिर्फ और सिर्फ 5 गाड़ी खरीदने लगेंगे सर, अब तो बस 5 गाड़ी खरीदने लगेंगे। तो बच्चों गाड़ियों का डिमांड कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज अब हम ए पॉइंट पे नहीं रहे, अब हम कौन से पॉइंट पे आ गए, बी पॉइंट पे आ गए, अब हम D1 डिमांड कर्व पे नहीं रहे, अब हम कौन से डिमांड कर्व पे आ गए, D2 डिमांड कर्व पे आ गए। तो इस तरह की जो कौन सी शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग है हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, जिसका दूसरा नाम आपका डाउनवर्ड, जिसका तीसरा नाम बैकवर्ड, और जो इधर वाली शिफ्टिंग होती है, इधर वाली शिफ्टिंग कब होगी बेटा, अगर पेट्रोल 70 से घटके 50 रुपए लीटर रह जाए तो क्या होगा, तब लोग ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे भाई, तो ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे तो ए पॉइंट पे थोड़ी ना रहेंगे, अब तो हम 5 लाख की गाड़ी की 15 गाड़ियां खरीदने लगेंगे डेली पानीपत के अंदर, लोग मान लो ऐसा 15, तो डिमांड कर हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ऐसा, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगी ना। और इसके तीन तरह से क्या नाम लिख सकते हैं हम, राइटवर्ड और डाउनवर्ड की जगह पर क्या लिख सकते हैं, फॉरवर्ड, और बैकवर्ड की जगह अपवर्ड। हालांकि ये दो नाम ही ज्यादा यूज होते हैं, ये वाले राइटवर्ड एंड फॉरवर्ड, लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड।
बैकवर्ड और अपवर्ड शब्द का प्रयोग बहुत कम ना के बराबर होता है, बट पता होना चाहिए। ये हो गया बच्चों। तो हमें समझ में क्या आ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस और डिमांड ऑफ गिवन गुड आर हाउ नेगेटिवली रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे रिलेटेड है बच्चों? नेगेटिवली रिलेटेड है। जैसा कि आप देख रहे हो, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जा रही है और प्राइस के कम हो जाने पर डिमांड बढ़े जा रही है। नेगेटिवली रिलेटेड टू ईच अदर। डन है बच्चों? ये हो गया हमारा रिलेटेड गुड्स कैसे इंपैक्ट करता है। चलिए बच्चों आगे आते हैं। तीसरी चीज, तीसरा फैक्टर बच्चों, टोटल कितने फैक्टर्स बताए थे आपको? पांच। पांच एक बार लिखें, एक बार लिखते हैं, ये यहां लिखता हूं। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी गिवन कॉमोडिटी एक्स हैव अ फंक्शनल रिलेशनशिप विद उसका खुद का प्राइस पी एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अभी पढ़े हमने दोनों रिलेटेड। तीसरा फैक्टर बच्चों वाई, कस्टमर की इनकम। चौथा फैक्टर बेटा टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। और पांचवा और आखिरी फैक्टर है फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस, मींस द एक्सपेक्टेशंस। तो जब हम पीएक्स के साथ, ये क्या था, डीएक्स, डीएक्स यहां डीएक्स लिखो बच्चे, ये पीएक्स थोड़ी है, ये डीएक्स है, यहां डिमांड ऑफ अकोमोडिटी। जब हम पीएक्स के साथ डीएक्स को कनेक्ट करते हैं तो क्रिएट हो जाता है लॉ ऑफ डिमांड, और हमें पता लगता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है। और जब हम आर की बात करते हैं तो रिलेटेड गुड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर सब्स्टिट्यूट के साथ देखूं तो पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस ऑफ द गिवन गुड एंड द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड एंड द डिमांड ऑफ द गिवन गुड। जैसे चाय महंगी हो जाएगी तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो कैसा रिलेशन है बेटा? पॉजिटिव रिलेशन होता है ना। चाय महंगी हो जाएगी तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, कोका कोला महंगी हो जाएगी तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, पॉजिटिव रिलेशन होता है। और रही बात कॉम्प्लीमेंट्री में, तो कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव रिलेशन होता है। अब वो कैसे नेगेटिव होता है? पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो गाड़ियां कम बिकेंगी, है ना। तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा, गाड़ियां कम बिकेंगी, नेगेटिव। बिजली महंगी हो जाएगी, एसी कम बिकेंगे, नेगेटिव रिलेशन। ये हो गया। अब आती है बात बेटा इनकम। जो कस्टमर्स की इनकम होती है, कंज्यूमर्स की इनकम, वो उनके द्वारा खरीदी गई चीजों की डिमांड के ऊपर इंपैक्ट डालती है। बहुत जनरल सी बात है, बहुत जेन्युइन सी बात है, यस इंपैक्ट डालती है। कैसे, कैसे? सुनिए, उसके लिए पहले हम ये समझना पड़ेगा, चीजों को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली जो तरह की चीज है, मैं बोलता हूं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स होती हैं, नॉर्मल गुड्स बेटा जिन जो चीजें जो हैं वो बहुत सस्ती नहीं है, बहुत महंगी नहीं है, हम अपने जीवन में नॉर्मली नॉर्मल प्राइस पे उनको इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं ये नॉर्मल गुड्स है। ओके, जैसे हम कहते हैं कि फुल क्रीम मिल्क। अब ये आप कहेंगे सर ये नॉर्मल है तो दूसरी चीज क्या बेटा? घटिया, इंफीरियर। इंफीरियर जो फुल क्रीम मिल्क नहीं होता, जो टोंड मिल्क या डबल टोंड मिल्क होता है, ठीक है ना, जिसमें से वो क्रीम निकली हुई होती है, तो बाकी जो बच गया वो काफी पतला दूध जो होता है वो आप कह सकते हो कि सर ये इन्फीरियर प्रोडक्ट है, घटिया है क्योंकि वो बहुत सस्ता है, ऐसा आप कह सकते हो। तो कहने का मेरा मतलब बच्चों ये है कि नॉर्मल गुड्स के साथ एक कस्टमर की इनकम का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। यानी जैसे जैसे हम लोगों की इनकम बढ़ती है, हम लोग नॉर्मल गुड्स की डिमांड को बढ़ा देते हैं, हम लोग नॉर्मल गुड्स को ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हमारी इनकम घटती है तो हम इन चीजों को कम खरीदना शुरू कर देते हैं। बहुत सिंपल सी जनरल सी बात है कि ऐसा ही हमारा बिहेवियर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इनकम एंड डिमांड ऑफ एक्स, इफ एक्स इज अ नॉर्मल गुड, आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर, आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर। इनकम एंड डिमांड ऑफ एक्स कॉमोडिटी आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड
इन चीजों की बढ़ेगी और अगर इनकम घटेगी तो डिमांड इन चीजों की घटेगी। आओ बेटा एक एग्जांपल से समझते हैं ना बात। ये देखो, ये मान लो कि मैं बोलता हूं कि ये प्राइस है, सपोज नॉर्मल चीज ले लो, कोई भी पेप्सी ले लो, कोका कोला ले लो, कुछ भी, ठीक है। ये प्राइस है कोक का, कोक नॉर्मल प्रोडक्ट कोक, ठीक। और 5,000 रुपए की इनकम पर एक कस्टमर कोका कोला की 10 यूनिट्स खरीद रहा है, ये डिमांड है, डिमांड। अभी कोक अभी भी बेटा कितने की आती है, प्राइस उसका अभी भी कितना है? सर अभी भी 10 ही है, लेकिन कस्टमर की इनकम 5 से बढ़कर के कितनी हो चुकी है बेटा, सपोज 8,000। यानी कस्टमर पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। अगर ऐसा होता है तो कस्टमर पहले से ज्यादा चीजें भी खरीदने लगेगा, तो डिमांड कितनी हो जाएगी, 10 से बढ़कर के 15 यूनिट की डिमांड हो जाएगी। क्या देखने को समझ में आ रहा है बेटा? इनकम, देखो चीज तो सस्ती नहीं हुई ना, आप बात को समझो, चीज तो सस्ती नहीं हुई ना, चीज पहले भी कितने की आती थी, 10 की, अभी भी कितने की आती है बेटा, वो तो अभी भी 10 की, लेकिन जो कस्टमर उसको खरीद रहा है उसकी इनकम बढ़ चुकी है, उसकी इनकम जो है 5,000 से बढ़कर के 8,000 हो चुकी है। तो 5 से 8 की इनकम होने पर जो डिमांड है वो भी 10 से बढ़कर 15 हो चुकी है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जब ऐसे डिमांड ऐसी हो जाएगी तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होगा, जल्दी जल्दी जवाब दे बेटा, डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होगा शीतल? सर राइट वर्ड। वेरी गुड, राइट वर्ड। चलिए क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, अगर 5,000 से इनकम घटके मेरी रह जाती 3,000 रुपए, तो जल्द पहले तो ये क्वेश्चन होना चाहिए कि डिमांड घटेगी या बढ़ेगी। हाँ अनुराग, डिमांड घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी सर, घटेगी सर। हम 10 से भी कम यूनिट्स खरीदेंगे, हम शायद 5 यूनिट खरीदें, ताहिर इसको क्या बोलेंगे, कौन सा शिफ्टिंग है, राइट वर्ड है या लेफ्ट वर्ड है? लेफ्ट वर्ड सर, लेफ्ट वर्ड है। अब मैं बच्चों इसके डायग्राम्स नहीं बना रहा, आप लोगों को आ गए और हम कौन सा डायग्राम पेपर में बनाने हैं, हमें बनाने भी नहीं है, लेकिन हमें बस ये नॉलेज होनी जरूरी थी, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड इधर उधर, प्राइस डिमांड का पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, सब्स्टिट्यूट का कैसा रिलेशन, एक बार माइंड में इमेज सेट करना था बस और कुछ नहीं, डायग्राम नहीं बनाने हमें, ठीक है। ये हो गया बच्चे, चलिए जी ये बात समझ में आ गई बेटा आपको, नॉर्मल गुड के साथ इनकम का पॉजिटिव रिलेशन है, इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड घटेगी, एक बात। आगे बढ़ो बच्चों, लेकिन चीजें तो दूसरी भी हो सकती है बच्चों, जिनको हम घटिया चीजें बोलते हैं, इनफीरियर, इनफीरियर चीजें हम भी हम खरीदते हैं, हाँ सर वो भी खरीद लेते हैं, इनफीरियर भी खरीद लेते हैं। लेकिन बच्चों जब एक इंसान की इनकम बढ़ती है, लो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, एक एग्जांपल लेके बताता हूं, मैं ये कहता हूं मान लो कि ये लो एक बंदा ले लो, ये लो मान लो कि बच्चों ये मोहित है, ये मोहित, ठीक है, और मैं ये बोलता हूं बच्चों कि इसकी इनकम बहुत कम है, सपोज, और ये मजबूर है अपने घर में घटिया घी ले जाने के लिए, डालडा या और भी जो घटिया आता है वो लेके जाता है जी, और मैं ऐसा मानता हूं कि इसकी इनकम जब 10,000 रुपए है मात्र, तो ये इसे घर में 5 लीटर घी यूज होता है मान लो, तो मान लो कि ये लेता है प्राइस सिर्फ और सिर्फ सस्ते वाला 50 रुपए, इतना घटिया, ठीक है, और कितने लीटर की डिमांड करता है, 5, लो टोटल कितना खर्चा करता है, 250 रुपए घी के ऊपर,
समझिए बेटा। फिर अचानक इसकी इनकम बढ़ गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, इनकम बढ़ गई 50,000 रुपये हो गई। लीजिए ये लो सर इनकम 5 गुना हो गई, 5 गुना इनकम होगी बेटे, 10,000 से सीधा 50,000। बच्चों अब मुझे एक बात बताओ आप, 5 गुना इनकम हो गई, क्या ये अपने घर में 5 की बजाय 25 पैकेट लेके जाने लगेगा, 5 गुना ज्यादा ऑफ 50 रुपए लीटर, और खर्चा कर देगा 1,250 रुपए का घी पर? बताओ बच्चों क्या बिहेवियर ऐसा रहेगा? नो सर, ऐसा तो नहीं रहेगा ना बेटे। कैसा रहेगा फिर सर? वो इन गुड्स को कम कर देगा, बंद ही कर देगा या बंद कर देगा या कर देगा? और इन गुड्स की जगह पर बेटे कौन सी गुड्स खरीदना पसंद करेगा? नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो होगा सर एटलीस्ट 100 रुपए लीटर वाला तो लेके जाएगा ही, 100, 120, 130 वाला तो लेके जाएगा ही थोड़ा ढंग का, ठीक है। और अगर और अमीर हो गया, और अमीर हो गया, ये लो जी और अमीर कर देते हैं इसको, ये लो 2.5 लाख रुपए इनकम कर देते हैं, ये लो और अमीर हो गया। अब क्या करेगा? अब तो सर अब ये तो सर ये भी नहीं ये भी नहीं, तो देसी ही खाते हैं हम लोग तो सर, सीधा 500 रुपए लीटर ही लेते हैं हम तो, 500 रुपए किलो वाला ही 5 किलो लेते हैं हम तो, 2,500 रुपए का, छोटी मोटी चीजें नहीं हम लेते। अब तो घी का पैटर्न ही चेंज कर देगा। बच्चों मैं क्या समझाना चाहता हूं, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जब एक आदमी की इनकम बढ़ती है ना, तो घटिया चीजों को वो धीरे धीरे खत्म कर देता है अपनी जिंदगी में से, और बढ़िया चीजों को लेना स्टार्ट कर देता है। व्हाट द पॉइंट? सो अगर मैं आपसे बोलूं कि इनकम के बढ़ने पर घटिया चीज की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो बहुत सिंपल सी बात है सर, घटिया चीजों की डिमांड कम हो गई है, और बढ़िया चीजों की डिमांड से घटिया चीजों की डिमांड को हमने रिप्लेस कर दिया है। तो बढ़िया चीजों की डिमांड बढ़ने लगती है लाइफ के अंदर, और घटिया चीजों की डिमांड घटने लगती है। अब देखो इनकम भी बढ़ रही है पर घटिया चीजों की डिमांड भी घट रही है। तो कहना क्या चाहता हूं बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इनकम के बढ़ने पर घटिया चीजों की डिमांड घट जाएगी, और अगर अब जो है मान लो इनकम घट जाए किसी की, तो बेटा फिर तो मजबूर हो जाएगा ना बंदा, फिर वो क्या करेगा, घटिया चीजें खरीदनी स्टार्ट करेगा। तो घटिया चीजों की डिमांड इनकम के कम होने से बढ़ जाती है। बिल्कुल सिंपल है। अब ये टेबल वेबल सब आपको क्लियर है बेटा, सब बता दिया मैंने आपको। आपको मुद्दा क्या पकड़ना है कि प्राइस सॉरी इनकम और डिमांड में आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप यहां पर देखने को मिलता है, ये मुद्दा पकड़ना है फिर। लेकिन एक बात और छोटी सी हमारे को माइंड में रखनी है कि इनफीरियोरिटी हालांकि एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव मींस इनफीरियोरिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, मींस हर चीज इंसान के लिए, किसी के लिए कोई चीज इंफीरियर और किसी के लिए वो हेल्दी हो सकती है, नॉर्मल गुड हो सकती है, बल्कि बढ़िया से भी बढ़िया हो सकती है, घटिया होने के बावजूद भी बढ़िया से बढ़िया हो सकती है ना। आगे सर ये कैसे होता है बेटे? अभी हमने एक एग्जांपल लिया फुल क्रीम मिल्क और टोंड मिल्क का, राइट। अभी मान लो मैं रेट के हिसाब से बात करूं आपसे के जो फुल क्रीम मिल्क है बच्चों, फुल क्रीम मिल्क रेट आई थिंक 28 रुपए का आधा किलो, तो लीटर हो गया आपका 56 रुपए किलो, 56 रुपए केजी, या 30 होगा तो 60 रुपए किलो का रेट है, ये रेट है सर। और जो टोंड मिल्क है ये 23 रुपए का पैकेट आता है, इसका मुझे पता क्योंकि मैं अपने घर में यही इस्तेमाल करता हूं। तो 23 रुपए के हिसाब से 2 किलो के कितने हो गए, 46 रुपए किलो। अब बच्चों एक बात बताओ कि क्या हमेशा हम ये कह दें कि ये नॉर्मल प्रोडक्ट है और ये इनफीरियर यानी घटिया प्रोडक्ट है, तो मैं आपको बोलूंगा बेटा ये तो पर्सन टू पर्सन बात वेरी करेगी। मेरे को तो अगर फुल क्रीम मिल्क कोई 20 रुपए लीटर किलो भी दे देगा मैं तब भी ना लूं,
आप सर क्या बात कर रहे हो, बढ़िया वाला आपको सस्ते में दे रहे तब भी ले रहे हो। बेटे है तो फुल क्रीम मिल्क, वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, फुल फैट है उसके अंदर, ठीक है, और हमारे पास तो फैट की पहले कोई कमी नहीं है, और कितना जोड़ेंगे, बात को समझो आप। तो मैं तो नहीं लूंगा। अब आपको सर आप कौन सा, मैं तो यही लूंगा टोंड या इससे भी घटिया वाला जो मिलेगा डबल टोंड, हम तो ये वाला लेंगे। अब आपको सर आप इसको क्या इस वजह से खरीदते हैं क्या कि ये सस्ता है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते बढ़िया वाला मिल्क, फुल क्रीम मिल्क? तो आंसर इज नो, आई कैन अफोर्ड द फुल क्रीम मिल्क बट आई एम नॉट बाइंग दैट। अफोर्ड करता हूं पर फिर भी नहीं बाय करता। रीजन, क्योंकि ये जो मिल्क है ये हल्का है, ये हेल्थ के लिए काफी हद तक ठीक है एज कंपेयर टू फुल क्रीम मिल्क। मेरी बात समझ रहे बेटा? तो इसका मतलब टोंड मिल्क हर इंसान के लिए घटिया थोड़ी ना हो गया। टोंड मिल्क किसी के लिए हेल्दी प्रोडक्ट है तो वो ले रहा है, सस्ता है और हेल्दी भी है वो ले रहा है, और किसी के लिए जो लेना चाहता तो है फुल क्रीम लेकिन बेचारा मजबूर है क्योंकि उसकी जेब में पैसे नहीं है, वो इस वजह से नहीं ले पा रहा क्योंकि उसकी जेब में पैसे नहीं है। तो इसका मतलब कोई बंदा अगर फोर्सफुली टोंड मिल्क खरीद रहा है तो उसके लिए तो बेटा इनफीरियर है। हु इज फोर्स टू बाय दैट प्रोडक्ट बिकॉज यू डू नॉट हैव द मनी, सफिशियंट मनी ड्यू टू द लो इनकम, फॉर दैट पर्सन टोंड मिल्क इज एन इनफीरियर प्रोडक्ट, बट फॉर मी टोंड मिल्क इज अ हेल्दी प्रोडक्ट। सो व्हाट आई वांट टू से, inferiority is a relative concept, it depends upon person to person, kisi ke liye acha aur kisi ke liye bura, kisi ke liye normal aur kisi ke liye koi cheez inferior, to kisi ke liye wo inferior nahi balki healthy product ho sakta hai। baat samajh mein aa gayi beta? to ye line bahut apne aap mein maine rakhti hai, ye jo line likhi hai maine yahan par ki inferiority is a relative concept। ek aur example maine yahan bajra ka le rakha hai, ye dekhiye aap, bajra is a normal commodity for a rich person। एक बहुत अमीर आदमी भी बाजरा खा सकता है भाई, और वो ये सोच के खा सकता है कि बाजरा बहुत ज्यादा हेल्दी है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। बट इफ द लो इनकम इनकम ऑफ ए पुअर पर्सन फोर्सेस हिम टू बाय बाजरा एवरी डे देन द बाजरा विल एन इनफीरियर कॉमोडिटी फॉर हिम। लेकिन एक दूसरा इंसान जिसकी इनकम कम है और जो अफोर्ड नहीं करता दूसरा अनाज और वो बाजरा खा रहा है इस वजह से क्योंकि उसको बाजरा ही अफोर्डेबिलिटी में आ रहा है उसकी, उसके लिए यस वो कह सकता है कि यार मैं खाना तो चावल भी चाहता हूँ, खाना तो मैं और भी फूड चाहता हूँ लेकिन मुझे बाजरा खाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे बजट में यही आता है, तो बेटा उसके लिए इन्फीरियर है। और एक मिलियनेयर पर्सन वो बाजरा खा रहा है, वो कह रहा है कि भाई बाकी फूड में कुछ रखा नहीं है, बाजरा तो हेल्दी प्रोडक्ट है ये लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है किसी हर एक की अपनी एक चॉइस हो सकती है वहां पे, ठीक है बेटा। तो ये थे मेन पॉइंट हमारे जो हमें समझ में आने चाहिए। सर फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आदमी है उसके मतलब की वो खरीदने के लायक भी है, खरीद भी सकता है कोई नॉर्मल गुड और उसकी इनकम भी अच्छी है लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी ना हो वहां पे उसके एरिया में, हो सकता है। हाँ ये इस मुद्दे को तो हमने छेड़ा ही नहीं पर यस ये भी हो सकता है। अब वो अनअवेलेबिलिटी की वजह से नहीं खरीद पा रहा, अब वहां तो हमने वो तो मार्केट सिचुएशंस आ गई है ना, उसको तो हमने साइड में कर दिया। अभी हम ये कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी नॉर्मल प्रोडक्ट की भी है, अवेलेबिलिटी इनफीरियर प्रोडक्ट की भी है। नाउ बीइंग ए रैशनल कंज्यूमर व्हाट शुड आई बाय, मुझे क्या खरीदना चाहिए, अभी हम अवेलेबिलिटी वाले पॉइंट्स को टच नहीं कर रहे, ठीक है। वो तो आ जाएगी फिर बात मार्केट्स की, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, वो अलग बात हो गई फिर कि कौन सा प्रोडक्ट है कौन से बाजार में जाता है क्या है क्या नहीं, उसको अभी छोड़ो, अभी अवेलेबिलिटी मान के चलो, ठीक है जी, क्लियर डन। चलिए अब उसके बाद आ जाती है बात नेसेसरी इन एक्सपेंसिव गुड्स। एक और तरह की गुड्स होती है भाई, एक और तरह की गुड्स होती है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं इन गुड्स के ऊपर अक्सर, नेसेसरी इन एक्सपेंसिव। नेसेसरी इन एक्सपेंसिव का मतलब क्या, नेसेसरी जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इनएक्सपेंसिव बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ऐसी चीजों का हमारी इनकम के साथ क्या योगदान है, क्या लेना देना है, जरा समझते हैं बेटा। ये ऐसी चीजें होती हैं कि जब हमारी इनकम बढ़ या घट जाती है तो इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जरा समझते हैं इस बात को। देखो सुनो बच्चों, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि अनुराग की इनकम 5000 रुपए है, बड़ी कम इनकम है इसकी, ठीक है, और इसके घर में जब नमक का रेट 20 रुपए का पैकेट है पर पैकेट, तो इसके घर में डिमांड की जाती है नमक के 3 पैकेट्स की,
मंथली बेसिस पे। कितने रुपए खर्च किया था बेटा नमक के ऊपर? 60 रुपए। 60 रुपए खर्च करता जी नमक के ऊपर। ओके, बड़ा गरीब आदमी है, 5000 रुपए कमाता है बस। फिर अचानक से इसकी इनकम बढ़ गई, इसकी इनकम बढ़ गई, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, 50,000 रुपए कमाने लगा। बेटा जी मुझे एक बात बताओ, इनकम तो 10 गुना हो गई है, क्या नमक के 30 पैकेट घर में यूज होने शुरू हो जाएंगे क्या? बताओ, ऐसा हो जाएगा क्या? ये कहेगा कि आज अब हम अमीर हो चुके हैं, अब हम नमक ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्यों ना सब्जी में नमक ज्यादा डाला जाए आज से 10 गुना ज्यादा। जहां एक चम्मच डलता था, क्यों ना आप 10 चम्मच डाले जाएं। बोलो बेटा, क्यों ना सलाद के अंदर यूं मुट्ठी भर के नमक गेर दिया जाए, अब हम अमीर हो चुके हैं। क्या ऐसा होगा? हाँ भाई अनुराग, ऐसा होगा क्या? नहीं सर। क्या बात, पहले ही कम खाया जाता है, पहले ही कम खाया जाता है, पहले ही नमक के साथ बीपी की प्रॉब्लम जुड़ी हुई है लोगों की जिंदगी में, है ना। इतनी लोगों को परेशानियां हैं नमक और शुगर को लेकर के, मिल्क को लेकर के, और आप और 10 गुना खिला रहे हो। क्या होगा? होगा कुछ भी नहीं। बोलो बेटा, ये सर मेरी इनकम 2.5 लाख भी हो जाएगी ना सर, मेरे घर में 3 ही पैकेट आएंगे नमक के, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। बोलो बेटे, सही कह रहा हूं? और अगर मान लो किसी इंसान की इनकम 5000 से कम होकर के सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 2000 भी रह जाती है, तब भी बेटा कुछ होना जाना नहीं है, नमक 60 रुपए का ही आना है, उतने का ही आएगा, ठीक है। आप कम इनकम की वजह से नमक खाना कभी शुरू नहीं कर सकते। कम भाई, इनकम घट गई हम कम नमक खाएं, या इनकम बढ़ गई है तो हम ज्यादा नमक खाएं, ऐसा दोनों में से कुछ होने वाला नहीं है। नमक एक ऐसा प्रोडक्ट है हर बंदा अपनी कम से कम इनकम पर भी अफोर्ड तो कर ही सकता है, और नमक एक ऐसा प्रोडक्ट है बेटा कितनी भी इनकम बढ़ जाए आप ज्यादा नहीं खरीदोगे, ये पक्की बात है ना। बहुत सारी चीजें हैं, नमक है, सॉल्ट हो गया है ना, आप कह सकते हो मेडिसिन है, क्रोसिन की टेबलेट हो गई, ठीक है, शुगर की टेबलेट हो गई, कोई भी मेडिसिन हो गई, शुगर की क्या कह रहा हूं, कोई भी टेबलेट हो गई, अभी उसका कोई इनकम से लेना देना थोड़ी है। अब मान लो कोई बंदा इनकम उसकी बढ़ गई तो वो सोचता है कि चलो जी मैं 2-4 गोलियां और खाने शुरू कर दूं, या नहीं खाता तो मैं खानी शुरू कर दूं, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू बिकम अ रिच पर्सन, आई शुड ईट इट। नो, नोबडी विल लाइक इट, कोई भी नहीं खाएगा। तो कहने का मतलब बेटा ये चीजें ऐसी हैं कि नेसेसरी इनएक्सपेंसिव। अब प्रोडक्ट इनएक्सपेंसिव भी होना चाहिए, बात समझो आप, प्रोडक्ट इनएक्सपेंसिव भी होना चाहिए और नेसेसरी भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसी चीजों के ऊपर ही बात लागू होगी, ऐसी चीजों का इनकम से कोई लेना देना नहीं है। इनकम बढ़ जाएगी तब भी उतना है, इनकम घट जाएगी तब भी उतना ही है। तो बच्चे इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, इनकम के बढ़ने और इनकम के घटने का डिमांड ऑफ द एक्स कॉमोडिटी पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैं कहना चाहता हूं बच्चों आप लोगों से कि ये वाला प्रोडक्ट है हमारा नेसेसरी इनएक्सपेंसिव वाला, ये ठीक है। यहां पर माचिस आ गई, नमक आ गया, ऑल पिन आ गए, है ना, ये सब चीजें इतनी सस्ती हैं कि हम सोचते ही नहीं इनके ऊपर खर्चा करने से पहले कि कितना रेट है, राइट। तो ये चीजें, इनका इनकम से कोई लेना देना नहीं है। ओके, नाउ अब अगला जो पॉइंट पढ़ रहे हैं बच्चों, आप ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, इसमें ना कई बातें हैं और 11th क्लास में हम इसको इस तरह से पढ़ करके नहीं आए हैं, और अब पढ़ना इसको अच्छे से, इसलिए क्योंकि इंस्टीट्यूट इस पे क्वेश्चन पक्का पूछेगा आपसे इस पॉइंट के ऊपर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे 100% श्योर है। तो ध्यान से पढ़े बच्चों, आप 11th क्लास में बस इतना ही पढ़ के आए हैं कि अगर किसी चीज का जो टेस्ट है, चौथा फैक्टर टेस्ट, किसी चीज का टेस्ट अगर हमारे फेवर में हो जाता है तो हम उस चीज की डिमांड को बढ़ा देते हैं, ऑब्वियसली फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड करो, राइट वर्ड है ना, राइट वर्ड। और अगर किसी चीज का फेवरेबल चेंज होने से, अगर किसी चीज का अनफेवरेबल चेंज हो जाता है तो हम उस चीज की डिमांड को घटा देते हैं। कैसे होता है फेवरेबल अनफेवरेबल? मान लो मैं कहता हूं कि मैं फ्रूटी लाइक करता हूं, चलो ठीक ठाक सी कभी कभी पी लेता हूं फ्रूटी, कोई बात नहीं, अचानक से फ्रूटी का फ्लेवर चेंज हो जाए, एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर वो ले आए बाजार के अंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया, या कोई ये जो कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, एक ऐसा फ्लेवर आ जाए जो मेरे को बहुत अच्छा लगने लगे फ्रूटी का, मान लो, तो बेटा क्या होगा? वैसे तो फ्रूटी के वेरियस वेरियंट नहीं आते, बट मान लो आ जाए तो क्या होगा बच्चों? होगा ये कि मैं पहले से ज्यादा लाइक करूंगा उसको,
पहले कभी कभी लेता था, डेली या वीकली एटलीस्ट एक बार पी लूंगा, तो मेरा कहने का मतलब है मैं उसकी डिमांड को बढ़ा दूंगा क्योंकि उसका टेस्ट मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग हो गया, तो फेवरेबल चेंज हो गया टेस्ट के अंदर, मैं डिमांड को इनक्रीज कर दूंगा। और अगर वो ऐसा फ्लेवर ले आए जो मेरे बिल्कुल मतलब का ना हो, अभी तो कभी कभी पी लेता हूं फिर बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा फ्रूटी को, तो डिमांड कम हो जाएगी। तो फेवरेबल और अनफेवरेबल चेंज का बच्चों हमारी डिमांड पर फर्क पड़ता है। इतनी बात आप 11th क्लास में पढ़ करके आए हैं, लेकिन अब कुछ और बातें हमने पढ़नी है जो हम नहीं पढ़ के आए। जैसे कि एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट नाम की चीज होती है जिसको बैंड वैगन इफेक्ट भी बोलते हैं। कहता है कि डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना, डेमोन्स्ट्रेशन दिखावा करना, ठीक है। तो हम किसी के दिखावे से प्रभावित होकर के अगर किसी चीज को खरीदें तो हम उसको ड्यू टू डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट खरीद रहे हैं। देखो बेटा मैंने एक एग्जांपल लिया है, एन इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर एलईडी या एलसीडी टेलीविजन मे बी अफेक्टेड बाय हिज सीइंग वन इन हिज नेबर्स और फ्रेंड हाउस either because he likes what he sees or because he figures out that if his neighbor or friend can afford it he too can। कोई इंसान इस तरह से सोच के कि अगर मेरा दोस्त खरीद सकता है इस चीज को तो मैं क्यों नहीं, मैं भी खरीद ही सकता हूं, वो ले रहा बढ़िया चीज है मुझे भी लेना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बच्चों जो हम एक दूसरे के दिखावे में ले लेते हैं। तो उस तरह से जब हमने डिमांड को इंक्रीज किया, मेरी बात समझ रहे हो, जब उस तरह से हमने डिमांड को इंक्रीज किया तो कौन सा इफेक्ट लगा बेटा उस डिमांड के ऊपर, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। लिख लीजिए यहां पर दिखावा, दिखावा, दिखावे के थ्रू हम बहुत सारी चीजें ले लेते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें ले लेते हैं दिखाने के लिए, दिखावे से इफेक्टेड होकर के। वो हम क्यों खरीद रहे हैं बच्चों, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के थ्रू खरीद रहे हैं। जबकि अगली बात पढ़ो बच्चों, और इंपॉर्टेंट बातें लिखी है यहां पे, एक सेकेंड रुको बस। हाँ जी, अगली एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, ऑन द कंट्ररी व्हेन ए प्रोडक्ट बिकम्स कॉमन टू ऑल सम पीपल डिक्रीज और स्टॉप्स इट्स कंजम्पशन, दिस इज अ स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब कहते हैं कि भाई उसके पास भी है यार, ये तो उसके पास भी है, है ना, ये तो इसके, ये भी ले रहा है, सब ले रहे हैं, मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो वही लूंगा भाई जो कुछ एक्सेप्शनल है, कुछ बढ़िया है। तो भाई अगर हम इस चीज से किसी प्रोडक्ट को नहीं ले रहे कि ये तो सब पे है मैं क्यों लूं, तो इस चीज को हम क्या बोलते बेटा, स्नोब इफेक्ट। तो स्नोब इफेक्ट के अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट को स्टॉप करते हैं खरीदना, और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट को शुरू करते हैं खरीदना। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब दिखावे से शुरू करते हैं, और स्नो का मतलब कॉमनली प्रोडक्ट है इसलिए स्टॉप करते हैं प्रोडक्ट को खरीदना। इज दैट क्लियर, ये स्नो इफेक्ट है। पीछे क्वेश्चन मिलेंगे बेटा हर इफेक्ट के ऊपर। और तीसरा आ जाओ, हाईली प्राइस गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द स्टेटस सीकिंग रिच पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड फॉर कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, एंड दैट इज नोन एज वेबलन इफेक्ट। कुछ लोग उन चीजों को खरीदते हैं जो हाई क्लास चीजें होती हैं, हाई क्लास। को बंदा कहता है सर मैं तो वही प्रोडक्ट लेता हूं जो हाई सोसाइटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, seeking the rich people to satisfy their need, जो rich persons खरीदते हैं अपने आप को दूसरों से अलग करने के लिए, that is Veblen effect, ठीक है। अब हम कहें कि यार मार्केट में फोन बहुत सारे आते हैं, लेकिन एक बंदा सोचता है यार भाई देखो मुझे लेना है तो मुझे एप्पल का फोन ही लेना है मान लो, ठीक है, मैं बोलता हूं कि चाहे इसमें सैमसंग से कम फीचर्स मिले कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, चाहे वही क्वालिटी वही फीचर सैमसंग 30,000 का दे रहे हो मुझे नहीं लेना, मुझे तो 70,000 ही खर्चना है, ठीक है, और मुझे तो एप्पल ही खरीदना है। अब मान लो हम इस तरह से नेचर से अटैच्ड हैं, क्यों, सिर्फ इसलिए बिकॉज ये एक अलग स्टेटस सिंबल बना देगा हमारा, ठीक है, एप्पल प्रोडक्ट कुछ अलग ही होता है, ठीक है, सिर्फ लोग वही खरीदते हैं जो हाई पैसा खर्च करना चाहते हैं, राइट, अपने आप को एक्सक्लूसिव दिखाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है बेटा इस प्रोडक्ट को अगर हम इस नेचर से इस थॉट से खरीद रहे हैं कि मुझे तो कुछ अलग ही खरीदना है, तो आप जिस इफेक्ट के
थ्रू उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, देन इट इज नॉन टू बी एज व्हाट वेबलन इफेक्ट। तो कुल मिला के बच्चों तीन इफेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर, तीनों इफेक्ट्स आप समझना और हम अपनी जिंदगी में इन तीनों इफेक्ट्स को फील करते हैं। क्या आप अपने पड़ोसी को देख के कोई चीज अपने घर नहीं लाते? बिल्कुल लाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। क्या हम इस सोच से कभी किसी प्रोडक्ट को खरीदना बंद नहीं करते कि ये तो सबके पास, ये तो सब ले रहे हैं तो मैं क्यों लूं ये? बिल्कुल लेते हैं, दैट इज अ स्नो इफेक्ट। और क्या हम अपने आप को दूसरों से कभी कभी अलग दिखाना नहीं चाहते कि मेरे को तो ये कुछ एक्सेप्शनल प्रोडक्ट ही चाहिए क्योंकि आई वॉन्ट टू शो माई सेल्फ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर। If it is going to be like that, that is known to be as Veblen effect. So all over in our real life, we feel these three effects all over. ठीक है बच्चों? तो ये है हमारे taste and preferences कैसे हमारे demand को impact करते हैं. Okay, the next factor is expectations. What is that expectations? Future expectations. Future expectation क्या सर? बच्चों कई बार हम ऐसा feel करते हैं कि फ्यूचर में किसी चीज की डिमांड बढ़ने वाली है या घटने वाली है, ऐसा एक्सपेक्टेशंस रहता है। तो अगर मान लो प्राइस, सॉरी एक्सपेक्टेशंस कह रहा हूं, डिमांड कह रहा हूं, प्राइस मान लो मैं बोलता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी प्राइस गोल्ड का मान लो 52,000 है, 52,000 है, मान लो किसी को ऐसा लगता है 52,000 है और उसको लगता है सर मुझे घर में जो शादी है तो 10 तोला तो मुझे लेना ही पड़ेगा, 10 तोला तो लेना पड़ेगा, मान लो किसी की नीड है। अभी और वो जो मैरिज है वो आज से मान लो 5 महीने बाद है, आफ्टर 5 मंथ्स, और साथ साथ उसको यह भी लगता है कि फ्यूचर में इसका रेट 70,000 तो चला ही जाएगा, दिवाली तक ही चला जाएगा, मान लो उसको यह भी लगता है साथ में कि दिवाली पे सोना 70,000 हो जाएगा और उसका इफेक्ट लंबे समय तक रहेगा, मान लो यही प्राइस रहेगा फिर स्टेबल, और 5 महीने बाद 4 महीने बाद घर में उसके शादी है, 10 तोला उसको लेना ही है। आज की सिचुएशन में वो बैठा हुआ है, बेटा मुझे बताओ उसका परचेजिंग पैटर्न क्या रहेगा? हाँ बच्चों क्या रहेगा? फिर तो सर आज ही खरीद लेगा वो, फिर तो आज ही खरीद लेगा। आज खरीदने का कोई लॉजिक नहीं बनता, हालांकि क्योंकि घर में शादी तो 5 महीने बाद ही है और सोना अभी 52,000 हो गया है और ये खुद अभी 52,000 भी ऐसा हो गया, मान लो कि पिछले 1 महीने में ही 10,000 इंक्रीज करके आया, बल्कि 42,000 से 52,000 हुआ और आज हम 52,000 पे बैठे हैं मान लो, ठीक है, और 5 महीने बाद उसको 10 तोले सोना खरीदना है, व्हाट विल ही डू? ही विल बाय इट एट 52,000 रेट। वो 52,000 पे भी खरीद लेगा, वो कहेगा भैया अभी तो देखो कितने पैसे लग रहे हैं, 5,20,000 रुपए लग रहे हैं, सस्ते में निपट रहा है मामला, ठीक है ना। और जब 70,000 हो ही है ना भाई, तो 10 तोला सोना खरीदने के लिए 7 लाख रुपए लग जाएंगे फिर तो बैठे बैठे ही 1,80,000 रुपए बच रहे हैं, तो भैया अभी बचा लो, है ना। और ऑप्शन कोई है नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसको खरीदना नहीं है, खरीदना तो है, बट जब उसको ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि प्राइस विल इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर, ही विल इंक्रीज द डिमांड इन द प्रेजेंट, कि अगर फ्यूचर में प्राइस के बढ़ने की संभावना है तो डिमांड आज प्रेजेंट में बढ़ जाएगी, और अगर रिवर्स हो जाए बेटा, फ्यूचर में प्राइस के घटने की संभावना हो, अगर किसी को यह समझ में आती हो बात कि 52,000 है अभी तो सोना यार बहुत महंगा हो गया है, लेकिन मुझे ये लगता है पर्सनली कि ये 52 नहीं है तो सर 40,000 हो जाएगा, अभी देखना आप 1 महीने के अंदर अंदर ये चमत्कार होने वाला है, 40,000 हो जाएगा देख लेना आप, और मतलब मैं इतना इतना ज्यादा बिलीव रखता हूं इस पे, तो बेटा फिर आज अगर मुझे खरीदना भी होता तो मैं रुक जाऊंगा, फिर मैं रुक जाऊंगा। क्यों रुक जाऊंगा? मैं वेट करूंगा कि कब 40,000 हो और मैं इसको खरीदूं, तो डिमांड कम हो जाएगी। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो बहुत सिंपल सी प्रैक्टिकल है इकोनॉमिक्स, बहुत इंडिविजुअल से कनेक्टेड, हम सब लोगों की जिंदगी से कनेक्टेड है, कि अगर किसी चीज का रेट बढ़ने वाला होता है हम रुक जाते हैं, सॉरी हम अभी खरीद लेते हैं, और अगर किसी चीज का रेट कम होने वाला होता है आने वाले समय में तो हम उसकी डिमांड को अभी कम कर देते हैं, हम तब खरीदेंगे जब उसकी प्राइस वाकई में कम हो जाएगा। तो बच्चों एक्सपेक्टेशंस आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में
आ गई होगी. ओके पोस्टपोन कर देते हैं हम डिमांड को. तो ये हो गए बेटा पांच फैक्टर्स जो एक इंडिविजुअल की डिमांड को इंपैक्ट करते हैं. यानी इफ आई एम गोइंग टू बाय समथिंग द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग हैव इन अ फंक्शनल रिलेशनशिप विद पी एक्स पी आर वाई टी एंड ई. बट अगर मैं बात मार्केट की करता हूं बच्चों, तो मार्केट की जब मैं बात करता हूं तो दो फैक्टर और एसोसिएट हो जाते हैं साथ में, एक पॉपुलेशन का साइज एंड द पॉपुलेशन कंपोजिशन, और एक बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. क्या मतलब बच्चों? पॉपुलेशन का साइज डिमांड को इफेक्ट करता है. सोचो आप, पॉपुलेशन का साइज डिमांड को इफेक्ट करता है. जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती चली जाएगी, समझो आप बात को, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती चली जाएगी उतनी ही ज्यादा चीजों की डिमांड बढ़ती जाएगी. ऑब्वियस सी बात है, ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डिमांड इंक्रीजेस एंड वाइज वर्सा. पॉपुलेशन कम हो जाएगी डिमांड कम हो जाएगी, मार्केट की डिमांड, ये तो सही है. यूजर्स कम हो जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, यूजर्स ज्यादा हो जाएगी डिमांड बढ़ जाएगी, एक बात. लेकिन दूसरी बात भी समझना, कंपोजिशन. जिस जनसंख्या की मैं बात कर रहा हूं उस जनसंख्या में, उस पॉपुलेशन में किस तरह के लोग ज्यादा है, है ना? ये भी तो मैटर करता है, किस तरह के लोग ज्यादा है. क्या उस जनसंख्या में, बढ़ती हुई जनसंख्या में बुजुर्ग लोग ज्यादा है, ओल्ड एजर्स ज्यादा है? अगर यस ऐसा है तो जो जो डिमांड है वो ओल्ड एजर्स जिन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, सिक्स है ना, नकली दांत एटसेट्रा है ना, तो उन चीजों की डिमांड मार्केट में बढ़ने वाली है, फिर नॉर्मल सी बात है. और अगर उस बढ़ती हुई जनसंख्या के अंदर किड्स ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, तो बच्चे फिर क्या, किस तरह की डिमांड बढ़ेगी? टॉयज टॉफीज बेबी ऑयल डायपर्स एटसेट्रा, फिर इन चीजों की डिमांड बढ़ेगी, है ना. लेडीज ज्यादा है तो नेल पेंट लिपस्टिक्स, इन चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी. तो ये सीधी सी बात है बच्चों. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उस बढ़ती हुई जनसंख्या में किस तरह की पॉपुलेशन ज्यादा है. जिस तरह की पॉपुलेशन ज्यादा है उस तरह की चीजों की डिमांड बढ़ जाने वाली है. सो दिस इज दिस फैक्टर, मार्केट की डिमांड के साथ पॉपुलेशन का साइज एंड पॉपुलेशन का कंपोजिशन. ओके बच्चों, ये हो गया हमारा सिक्स पॉइंट. नाउ द सेवेंथ पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? बच्चे इनकम किस तरह से एसोसिएटेड है, इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्या सब लोगों के पास बराबर पैसे हैं? ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता हर इंसान के पास बराबर पैसे हो जाए, ये कैसे होगा, नहीं हो सकता. लेकिन अगर हो जाए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो बच्चों उस केस में डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी के अंदर. क्यों सर, क्यों? बेटा जब हर इंसान के पास बराबर पैसे हो जाएंगे तो हर इंसान अपनी बेसिक नीड्स को बहुत अच्छे से यूज कर पाए, पूरी कर पाएगा, तो डिमांड ज्यादा कर पाएगा. जबकि जितनी ज्यादा अनइक्वल, जितनी ज्यादा बच्चों अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है ना, अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब किसी के पास तो बहुत ज्यादा पैसे हो जाए, किसी के पास बहुत कम पैसे हो जाए, तो क्या होगा? किसी के पास बहुत ज्यादा, जिसके पास पैसे होंगे वो कोई सारे पैसे खर्च थोड़ी कर देगा बेटे, अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो सेविंग में लगा देगा, बैंक में डाल देगा. इससे क्या होगा, डिमांड नहीं करेगा वो. और जिनकी इनकम बहुत कम रह गई वो भी डिमांड नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है. जिनके पास बहुत ज्यादा है वो सारे खर्च नहीं करेंगे, जिनके पास पैसे है ही नहीं वो वैसे नहीं खर्च करेंगे. तो इसका मतलब क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में ऑल ओवर डिमांड कम रहती है, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में इसमें कम रहती है, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में डिमांड ज्यादा होती है क्योंकि हर इंसान के पास अच्छा भला पैसा होता है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए. सो ऑल ओवर वो अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करता है और डिमांड बढ़ जाती है. दैट इज नोन टू बी एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. That is this one, equal and unequal distribution of income. बच्चों समझ में आ गए सबको सात फैक्टर? क्या सात फैक्टर्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने बस ये सीखा है अभी तक में तो इस चैप्टर के अंदर, डिमांड क्या होती है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड स्केड्यूल क्या होता है,
ये इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, ये मार्केट के क्या होते हैं, और जो डिमांड होती है उस डिमांड को इफेक्ट करने के लिए टोटल मिला के 7 फैक्टर्स होते हैं। उसमें से अगर मैं 5 फैक्टर्स की बात करूं तो इंडिविजुअल डिमांड के लिए 5 फैक्टर्स यूज होते हैं, और अगर मैं पूरी मार्केट की डिमांड करूं तो वहां पर टोटल मिला के 7 फैक्टर्स यूज होते हैं। आइए फटाफट से एक बार पढ़ते हैं। PX कॉमोडिटी का खुद का प्राइस, PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y इनकम ऑफ द कंज्यूमर, 4th वन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड 5th वन फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। ये 5 फैक्टर्स इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करने के लिए हैं, और 2 फैक्टर अगर और जोड़ दें, कौन कौन से बच्चों, पॉपुलेशन का साइज एंड पॉपुलेशन की कंपोजिशन, राइट। ये मार्केट की डिमांड का फैक्टर है, सिर्फ मार्केट डिमांड को जो इंपैक्ट करता है। और उसके बाद 7वां और आखिरी फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो अगर मैं मार्केट डिमांड की बात करूं तो 7 फैक्टर हैं, इंडिविजुअल डिमांड की बात करूं तो 5 फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इंपैक्ट करते हैं। चलिए बच्चे, अब बात आती है अगली, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। बेटे मैंने आपको अभी क्या समझाया, यहां पर डिमांड ऑफ एक्स हैव अ फंक्शनल रिलेशनशिप विद PX, PR, Y, T, E। टोटल 5 फैक्टर्स हैं जो किसी कॉमोडिटी की डिमांड को इंपैक्ट करते हैं। इसमें से बच्चों जो अगर मैं आपको बोलूं कि जो पहला फैक्टर कॉमोडिटी का खुद का प्राइस, वो लॉ ऑफ डिमांड क्रिएट करवाता है, और खुद के प्राइस में चेंज आने से जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है इसको बच्चों बोलते क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड, सिर्फ प्राइस के चेंज आने से। और अगर प्राइस में चेंज नहीं आता तो डिमांड इफेक्ट और किससे हो सकती है, इन सब में से किसी से भी जिनके ऊपर मैंने ऐसे कैपिंग करी है अभी। और इन सब लोगों को क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं बच्चों, अदर फैक्टर्स। और अगर अदर फैक्टर्स में चेंज आने से डिमांड बदलती है तो इसको, तो डिमांड बदलती है, अब क्वांटिटी डिमांडेड नहीं चेंज होता, अब डिमांड चेंज होती है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोलते हैं बच्चों चेंज इन डिमांड। किसकी वजह से, ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स, और ये किसकी वजह से, ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। जब प्राइस की वजह से चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में तो डिमांड कर्व हमारा वहीं का वहीं रहता है, बस हम उस डिमांड कर्व पे मूवमेंट्स कर लेते हैं। और मूवमेंट्स दो तरह की होती है बच्चों, या तो हम मूवमेंट करते हैं अपवर्ड या हम मूवमेंट करते हैं डाउनवर्ड। अपवर्ड मूवमेंट करते हैं तो कॉन्ट्रेक्शन है, डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं तो एक्सटेंशन है। अभी मैं समझाता हूं आपको बेटा ये क्या सिचुएशंस हैं, अभी क्लियर करता हूं, लेकिन उसके बाद की सिचुएशंस हम कर चुके हैं। अगर शिफ्टिंग होती है डिमांड कर्व की, किस वजह से होती है शिफ्टिंग, अदर फैक्टर्स की वजह से, तो बेटा शिफ्टिंग हो जाती है, पूरी का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। अदर फैक्टर्स में कौन कौन से आ गए, अभी मैंने समझाए थे PR, ये देखो जरा ऊपर चलो मैं आपको समझाता हूं कि उनमें चेंज आने से पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ था आपका। ये देखो हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व क्या था, ये ग्रीन वाला, ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व था। शिफ्टिंग हुई, अदर फैक्टर्स ने इफेक्ट किया, तो या तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया या फिर ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। लेकिन किसकी वजह से शिफ्ट हुआ बच्चे, ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर, अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से ऐसा हुआ है। ओके, तो शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व जब है तो वो उसके दो पार्ट है अलग से, इंक्रीज इन डिमांड या फिर डिक्रीज इन डिमांड। आओ बच्चों जरा इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो जब किसी चीज का खुद का, किसी चीज के खुद का प्राइस चेंज होता है तो उसके चेंज होने से जो चेंजेस आते हैं उसको चेंज इन डिमांड नहीं बोलते बच्चे, उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलते बच्चे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस के चेंज आने से। मैंने याद करो एक टेबल आपको शुरू शुरू में बताई थी, पहले पहले दिन वहां पर मैंने यही बताया था। आओ फिर से बताता हूं, जब किसी चीज का प्राइस
5 रुपए है, उस समय हम उसकी मात्र एक चीज खरीदते हैं, 1 यूनिट ओनली। जब उसका प्राइस घट के 1 रुपया रह गया बेटा, हम कितनी चीजें खरीदने शुरू कर देते हैं उसकी, 5। क्या है ये? ये क्या है? ये लॉ ऑफ डिमांड है सर, ये लॉ ऑफ डिमांड है। चाहे इस टेबल को ऊपर से नीचे देख लो, 5 से 1 प्राइस होने पर 1 से 5 डिमांड, या इस टेबल को नीचे से ऊपर देख लो, प्राइस 1 होने से डिमांड कितनी, 5, और प्राइस के 5 होने से डिमांड कितनी, 1। दोनों ही लॉ ऑफ डिमांड है बेटा। लेकिन ऊपर से नीचे वाली सिचुएशन में क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, इस सिचुएशन को हम एक्सटेंशन बोलते हैं। और इसी टेबल को अगर नीचे से ऊपर एनालाइज कर लेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इस चीज को हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो दो तरह से बच्चों इसको हम प्रेजेंट करते हैं, या तो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। आओ बच्चों मैं समझाता हूं कैसे मैं कहना चाहता हूं आपसे, और डिमांड कर्व सेम रहता है, हम इसी डिमांड कर्व पे मूवमेंट करते हैं सिर्फ। ये देखो आप, ओ एक्स वाई, ठीक है, प्राइस, ये प्राइस 1 है, ये प्राइस 5 है, ये क्वांटिटी डिमांडेड 1 है, ये क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 5 है। आपको कहे सर बाकी के क्यों नहीं बना रहे हो, 1, 2, 3, 4 बेटे बना लो, बनाना तो 1, 2, 3 सारा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1, 5 जब किसी चीज का प्राइस 5 था, हम उसकी कितनी क्वांटिटी खरीद रहे थे, केवल 1। जब उसका प्राइस घट के 1 रह गया, हम उसकी कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 5। हम पहले कौन से पॉइंट पे थे, ए, हम अब कौन से पॉइंट पे हैं, बी। लेकिन इन दोनों ही सिचुएशंस में ए और बी, ये दोनों ही पॉइंट एक ही डिमांड कर्व पे हैं, ये रहा हमारा वो डिमांड कर्व। ये दोनों के दोनों पॉइंट बच्चों एक ही डिमांड कर्व पे हैं, और ए से बी का ये जो है ना, इसको हम मूवमेंट बोलेंगे, मूवमेंट। हम नहीं बोलेंगे इसको शिफ्टिंग, बेटा शिफ्टिंग तो तब बोलेंगे ना जब डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाए। पहले ये था फॉरवर्ड चला गया, पहले ये था बैकवर्ड चला गया, पर ऐसे थोड़ी ना गया, ऐसे थोड़ी गया, डिमांड कर्व वही है जो पहले था, अब भी वही है। हम बस ए पॉइंट से मूव करके कहां पहुंच गए बेटा, बी पॉइंट पे, डाउनवर्ड मूवमेंट। इस डाउनवर्ड मूवमेंट को बोलते हैं एक्सटेंशन, डाउनवर्ड मूवमेंट, दैट इज नॉन टू बी एज व्हाट, एक्सटेंशन। क्योंकि इस एक्सटेंशन क्यों बोलते हैं, एक्सपेंशन भी बोलते हैं, एक्सटेंशन एक्सपेंशन एक ही बात है, ठीक है। इनक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड कह सकते हो, क्वांटिटी डिमांडेड, इनक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड कह सकते हो। तो ये हमारी डाउनवर्ड मूवमेंट है, क्योंकि डिमांड एक से बढ़कर कितनी होगी बेटा, 5। यही अगर मैं ऐसा डायग्राम बन जाए हमारा बी से ए, तो इसको बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट, हाँ अपवर्ड मूवमेंट, और इसको बोलते क्या है, एक्सटेंशन नहीं, इसको बोलेंगे क्या, कॉन्ट्रैक्शन। हाँ जी बच्चों, यहां पर यह डायग्राम बना लेना, ठीक है। ये हो गए बच्चों, हमारा डिमांड कर्व वही का वही रहेगा, या तो हम उस डिमांड कर्व पे ऐसे नीचे मूव कर लेंगे एक्सटेंशन, या फिर हम उस डिमांड कर्व पे ऐसे मूव कर लेंगे कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, हो गया दोनों। ये किसकी वजह से, सिर्फ प्राइस में चेंज आने की वजह से, कॉमोडिटी के खुद के प्राइस पे, जिसकी डिमांड के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड किसकी वजह से होता है, यानी शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, ये किसकी वजह से होता है बच्चों, ये अदर फैक्टर की वजह से होता है। और अदर फैक्टर की वजह से, जब अदर फैक्टर कितने तरह के, 4 मार्केट वाले बोल रहे हो तो अदर फैक्टर 6 4 वो 2 वो 6 इंडिविजुअल वाले बोल रहे हो तो 4 4 कौन कौन से बताएं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वो फर्दर 2 पार्ट में हो गए, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। अब जब ये अदर फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं ना बच्चों, तो कॉमोडिटी का खुद का प्राइस वही रहेगा जो उसका प्राइस है। ये मैंने ऊपर भी आपको टेबल में बताया था, याद करो गाड़ी के एग्जांपल में, गाड़ी पहले भी 5 लाख की आती थी, गाड़ी अभी भी कितने की थी, 5 की थी, याद करो आप, है ना, आंकड़ा आया था मैंने। तो वही बात है कि कोई भी चीज पहले 10 रुपए की आती थी, मान लो आइसक्रीम पहले 10 रुपए की आती थी,
हम उसकी 10 यूनिट खरीदते थे। आइसक्रीम आज भी 10 रुपए की आती है लेकिन हम उसकी कितनी यूनिट्स खरीदने लगे बेटा, 15। इसको इसको मूवमेंट से शो नहीं कर सकते बेटा। मूवमेंट से शो तो तब कर सकते थे जब प्राइस चेंज होता, प्राइस तो सेम है, पीएक्स तो सेम है, ये देखो आप, पर फिर भी डिमांड चेंज हुई ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर। कोई बच्चा बता सकता बेटा ये किस वजह से चमत्कार हुआ होगा कि प्राइस तो वही है 10 का 10 लेकिन डिमांड 10 से 15 होगी? बेटा कोई बता सकता है किस वजह से हुआ होगा ये काम? जी सर, अभी तो आपने कहा था ड्यू टू अदर फैक्टर। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, कौन सा अदर फैक्टर, ये क्या हुआ होगा? कोई भी हो सकता है, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ओके, इनकम क्या हुई बच्चा? इनकम बढ़ गई होगी। इनकम बढ़ गई हो, अब ये बुरी बात हुई है टीशा, इनकम बढ़ गई हो और ये चीज कैसी हो? नॉर्मल। नॉर्मल, अब बात पूरी हुई ना, कि इनकम बढ़ गई हो और ये चीज हो नॉर्मल, तो डिमांड 10 से 15 हुई हो। और बेटा क्या रीजन हो सकता है बताइए, और क्या रीजन हो सकता है बच्चों? और बहुत सारे हो सकते हैं, बताओ बच्चों। सर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर इसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया हो और कॉम्प्लीमेंट्री का कम हो गया हो। यस, सब्स्टिट्यूट का बढ़ गया हो, कॉम्प्लीमेंट्री का कम हो गया हो, ये दो रीजन हो सकते हैं। और क्या रीजन हो सकते हैं बच्चों? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर जैसे ये कोई गारमेंट्स है तो फैशन चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। यस वेरी गुड, हो सकता है ट्रेंड अच्छा हो गया हो तो हमने उसी प्राइस पे, ट्रेंड चल पड़ा किसी चीज का तो हमने उसकी डिमांड को बढ़ा दिया, ये हो सकता है। और एक हो सकता है, हो सकता है कि फ्यूचर में इस चीज के प्राइस बढ़ने की संभावना हो, है ना, गोल्ड वाला एग्जांपल अभी मैंने लिया था, तो हमने 10 रुपए के रेट पे ही उसको पहले से ज्यादा एक्यूमुलेट यानी खरीदना शुरू कर दिया, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन सभी रीजंस की वजह से बच्चों ये चीज पॉसिबल है कि सेम प्राइस पर भी हम क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा सकते हैं, तो इसको इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते बेटा? इंक्रीज इन डिमांड। और इसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व पूरा का पूरा कहां शिफ्ट होगा? राइटवर्ड। और इसकी वजह से कहां शिफ्ट होगा बच्चों? लेफ्टवर्ड। चीज का रेट 10 रुपए ही है, पहले में हम कितनी यूनिट खरीदते थे इसकी? 10। अब हम बेटा कितनी यूनिट्स खरीद रहे हैं इसकी? केवल 5। रीजन बहुत हो सकते हैं सर, रीजन बहुत हो सकते हैं। हाँ ताहिर बताएगा क्या रीजन हो सकते हैं बेटा इसके? ताहिर क्या रीजन हो सकते हैं? सर हो सकता है इसकी जो रिलेटेड गुड का है उसका प्राइस है वो कम हो गया हो। अब रिलेटेड में दो चीजें होती है, उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, के बात सब्स्टिट्यूट के बारे में कर रहे हैं या कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में? इसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसका प्राइस कम हो गया हो तो उसकी वजह से इसकी डिमांड भी कम हो गई। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, क्या फ्यूचर प्राइस के क्या चांसेस हैं? फ्यूचर में हो सकता है कि ये इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाए, इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाए, फ्यूचर में हो सकता है कि इसका प्राइस बढ़ने के चांस हो या कम होने के चांस हो कि हम इसकी डिमांड घटा रहे हैं? हाँ अनुराग, बढ़ने के बेटा, अगर बढ़ने के चांस होंगे तो आज हम डिमांड कम नहीं करेंगे सर, प्राइस फ्यूचर में घटने के चांस होंगे। ये खेल बड़ा सिंपल लग रहा है पर है मुश्किल, इतना आसान भी खेल नहीं है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। फ्यूचर में बेटा प्राइस के घटने के चांसेस होते हैं जब, तो आज हम उस चीज की डिमांड को कम करना शुरू कर देते हैं, हम सोचते हैं कि हम वेट कर लेते हैं और जब कल रेट घट जाएगा तब खरीद लेंगे, अभी क्या जल्दी पड़ी है हमें, ऐसा, ठीक है। तो ये रीजंस हो सकते हैं। तो बच्चों यहां समझो बात को, ये देखो आप, अगर मैं फर्स्ट डायग्राम पे बात करता हूं, यहां पर वही लिखो प्राइस, यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड,
पांच दस, इधर क्वांटिटी में पांच दस पंद्रह। जब चीज का रेट दस रुपए था हम उसकी दस यूनिट्स खरीद रहे थे, ये देखो आप, हम डिमांड कर्व पे ए पॉइंट पे थे, पर उस चीज का रेट अभी भी दस ही रुपए है, पर हम तो उसके कितने यूनिट्स खरीद रहे हैं साहब, पंद्रह खरीद रहे हैं सर हम तो। ओके नाउ कैन दिस पी बी पॉइंट बी प्लॉटेड ऑन द सेम डिमांड कर्व? नो सर, इट इज नॉट ऑन द सेम डिमांड कर्व, इट इज ऑन द राइटवर्ड शिफ्टेड डिमांड कर्व, इट इज ऑन द राइटवर्ड शिफ्टेड डिमांड कर्व, एंड दिस पर्टिकुलर सिनेरियो सिचुएशन इज नॉन टू बी एज व्हाट, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है बच्चों, और इसके रीजंस ये रहे, इसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, देखो इनकम बढ़ गई हो, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस घट गया हो, टेस्ट फेवरेबल हो गया हो, एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर में प्राइस के बढ़ने की हो गई हो, इन सब में से किसी भी रीजन की वजह से ये डिमांड इंक्रीज हो सकती है ना बच्चों। और इसका रिवर्स डायग्राम यहां बन जाएगा, पहला डिमांड कर्व ऐसा और दूसरा डिमांड कर्व ऐसा, ये इस तरह से, और इसके भी इन सब में से कोई भी रीजन हो सकता है जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। बच्चों मेरी बातें समझ में आ गई आपको या नहीं? ठीक है, तो यहां तक का आज आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है।